टोना टोट का पराठा खाते हैं। टोना टोट का सर, उससे क्या होता है, लोगों का टोना टूट जाता है, ऐसे परांठे में कुछ डालते हैं उसमें। सर ये यही बनता है कि कमरे के अंदर बनाते हैं टोना टोट का पराठा? हाँ जी। सुबह से कितने परांठे बना लिए आज? फिर कोई गिनती नहीं है सर, गिनती नहीं है। बहुत सारे, अक्षय कुमार की तो गली है। वो तो आए हुए, रणबीर कपूर आए हुए हैं। ये सर कौन सा परांठा बनाया इन्होंने जो उड़ा के मारा? जैसे पापड़ परांठा था ये। सारे परांठे ऐसे ही आएंगे क्योंकि कह रहे हैं वो मोमोज परांठा, पैरी पैरी परांठा, मोमोज परांठा, मोमोज परांठा। कोई गिनती नहीं है, 1.5-2 लाख बना लिए होंगे फिर तो। कैंडी क्रश परांठा भी है उसके अंदर। क्या मोबाइल तो नहीं डाल देते परांठे के अंदर? कितना किलो घी लग जाता है एक दिन में आपका? अच्छा वो बताएंगे नहीं, अगर नजर लग जाएगी। पर आपने तो टोना टोट का परांठा रखा है, नजर भी कट जाएगी। हाँ जी भाई साहब, दिल्ली दिलवालों की थी ये तो सुना था, पर आज मैंने देख भी लिया। दिल्ली की तंग गलियों से गुजर रहे थे और हमें दिख गए भाई साहब, और भाई साहब की दुकान बहुत पुरानी है, फेमस दुकान है दिल्ली से में। हाँ जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? नमस्कार जी, बस बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा भाई साहब पहले ये बताओ कि कितने साल पुरानी शॉप है आपकी? हमारी शॉप को लगभग 134 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये 125 साल पुरानी है जी, 134 साल लगभग। 134 साल। तो आप कौन सी जनरेशन अभी है? मैं 6th जनरेशन हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ परांठे चलते रहते सुबह शाम दिन रात, लोग और कुछ खाते नहीं, बस यही खाते रहते हैं? इस गली में इसीलिए आते जी, गली परांठे वाली में परांठे खाने के लिए। अच्छा जी, तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं आपके यहाँ परांठे खाने के लिए? बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, अब्रॉड से भी आते हैं, कई फॉरनर्स आते हैं। अच्छा जी, ये क्योंकि एक हेरिटेज स्ट्रीट है तो बहुत लोग बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। क्या बात है, तंग गलियों से लोग आते हैं स्पेशल आपके पास खाने के लिए आते हैं। कितने टाइप के परांठे रहते हैं आपके पास? मेरे पास 46 के टाइप के परांठे हैं आज की रेट में। 46 टाइप के? तो सर ये पहली बार मैंने शॉप देखी, पूरे इंडिया घूमे हम, मतलब शाम के कितने 4-5 बज चुके? 4:30 हो चुके। लोग मतलब परांठे खाने के लिए स्पेशल आते हैं आपके पास ना जी? मतलब लोगों को नशा करते हुए देखा था, गलत चीजों का, परांठे वाली गली में परांठों का नशा कर रहे हैं, दिल भूल गए। बिल्कुल, क्या बात है। परांठे हमारे पास आलू का, मटर का, मूली का, गोभी का, पनीर का, दाल का, बेसन आलू वाला स्पेशल, पापड़ परांठा भाई साहब, नींबू परांठा, पुदीना परांठा, हींग जीरा परांठा, टमाटर परांठा, करेला परांठा, भिंडी परांठा। भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को अभी थक गया, मेरा पेट भर गया। नहीं अभी कुछ और भी है। हाँ अभी लेटेस्ट लॉन्च करें वो मोमोज परांठा, पैरी पैरी परांठा, मोमोज परांठा, मोमोज परांठा, पनीर चंगेजी परांठा, चाप तंदूरी परांठा, बहुत परांठा की बहुत बड़ी वैरायटी। क्या बात है, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस परांठा कौन सा, जो सबसे ज्यादा बिकता है आपका? एक स्पाइसी परांठा, मतलब कैटेगरीज बहुत सारी है, जैसे कि हमने कुछ इनको 4 चीजों में बांट दिया है, कुछ मीठे परांठे भी हैं, कुछ स्पाइसी हैं। अच्छा जी, बेसिक के अंदर मिक्स होता है परांठा, बेसन वाला स्पेशल होता है जी, और तीखे परांठे में होते हैं, पैरी पैरी बहुत खाते हैं लोग, टोना टोट का परांठा खाते हैं। टोना टोट का? हाँ जी, टोना। सर उससे क्या होता है, लोगों का टोना टूट जाता है, ऐसे परांठे में कुछ डालते हैं उसमें? हरी मिर्च, नींबू और पापड़ मिला के बनाते हैं। ओ भाई साहब, तो परांठे का टेस्ट गजब। सर ये यही बनता है कि कमरे के अंदर बनाते हैं टोना टोट का परांठा? हाँ जी, नहीं सबके सामने, सबके सामने बनता है ये, जो लाइव गली चल रही होती है उसके सामने बनाते हैं। तो ये किसने सिखाया था आपको टोना टोट का परांठा? ये मेरे एक ब्रदर और है, तो वो भी इस चीज की बड़ी मास्टरी है, तो कोविड में सब लोग खा ली थे, वो भी खा ली थे, हम भी खा ली थे जी, तो ऐसे कर करके नई नई इन्वेंशन निकाल करके परांठे को लॉन्च करते रहते हैं, बस ये ऐसे ही आ गए। क्या बात है भाई साहब, ये तो पहली बार सुना मेरे ख्याल से इंडिया में, तो कहीं नहीं टोट का परांठा कोई नहीं बनाता होगा ना? कोई नहीं, ये आपने रिकॉर्ड बना दिया ना। यहाँ पे कैंडी क्रश परांठा भी है, बहुत सारे परांठे, कैंडी क्रश परांठा, उसके अंदर क्या मोबाइल तो नहीं डाल देते परांठे के अंदर? नहीं, इसके अंदर फ्रूट मॉकटेल्स डलती है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कोई भी परांठे के अंदर पर नाम रख दिया, डिटेलिंग होती है, अच्छे परांठे बनाए जाते हैं। सर थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ी सी बताएंगे आप उठ के, आप ज्यादा बता सकते हैं? मैं एक मिनट में आता हूं। हां जी, क्योंकि वो तो काम कर रहे, वो काम करते रुक जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि वो यूट्यूब ज्यादा चलाते, काम कम कर रहे हैं आजकल, ऐसी बात है? काम भी करते फ्री टाइम में, फ्री यूट्यूब। क्या बात है जी, ये लोग भैया हमारे स्पेशल डिमांड पर आ गए गले से उठ के। अच्छा पाजी बताओ जी प्लीज, ये क्या क्या रहते हैं? ये तो बेसिक है, जैसे आलू, गोभी, मटर, ये गाजर, ये मूली, दाल, एक पराठा होता है जी, और एक मिक्स होता है जो बहुत सबसे ज्यादा चलता है, मिक्स सबसे ज्यादा चलता है। फिर उसके बाद हमने कुछ मिर्ची रखी, टोना टोट का? हाँ जी, वो हरी मिर्च है, उसके साथ में हम फिर अलग मसाले मिला करके टोना टोट का मिलाते हैं। देखो पैरी पैरी पराठे की स्टफिंग, उसके अंदर पैरी पैरी बनाया जाता है, जिसके अंदर हम आलू, हरी मिर्च, पनीर चीज मिलाते हैं। एक ये मोजरेला चीज के साथ में हम बनाते हैं, जिसके अंदर पिज्जा पास्ता। सर ये पूरी है जी? ये परांठे को देसी घी में सारे फ्राई करे जाते हैं परांठे। अच्छा, के और अच्छा सर ये देसी घी में बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसको 3 सब्जी, 2 चटनी और अचार के साथ में सर्व करते हैं। क्या बात है सर, इतनी सारी ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। हाँ जी, तो दीवाने कर रखे हैं। हाँ, कौन सा घी मिलाते हैं? घी में कुछ, घी में कुछ डालते हो ऐसे? दिल्ली छह का प्यार। हाँ जी, दिल्ली छह का प्यार है ना। अच्छा ये सर कौन सा परांठा बनाया इन्होंने जो उड़ा के मारा? पापड़ परांठा था ये। सारे परांठे ऐसे ही आएंगे क्योंकि हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है। अच्छा जी, हाँ तो ये पनीर तंदूरी आ गया, पापड़ परांठा आ गया, ऐसे अलग अलग परांठे आते हैं। तो सर कितना किलो घी लग जाता है एक दिन में आपका? ऐसे तो जैसे जैसे सेल होती है वैसे वैसे घी लग जा रहता है। अच्छा वो बताएंगे नहीं, अगर नजर लग जाएगी। पर आपने तो टोना टोट का परांठा रखा है, नजर भी कट जाएगी।
ये बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो परांठे के साथ लाइव चाय भी चलती रहती है। दीवाने का रखे आपने स्पेशल? हाँ, हमारे पास 3 सब्जी 2 चटनी और अचार के साथ हम इसे पूरी प्लेट सर्व करते हैं। जी जी, लग करके आती है परांठे। हाँ जी भाई साहब, राम राम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका, शुभ नाम बताओ? चंदू। चंदू नंदू, सबका बंधु। बंधु भाई साहब, थक गए, आवाज में दम नहीं रही। सुबह से कितने परांठे बना लिए आज? फिर कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है? 1.5-2 लाख बना लिए होंगे फिर तो? कोई गिनती नहीं है सर, गिनती नहीं है। 10 भी बन सकता है और 1 लाख भी बन सकता है। अच्छा, क्या बात है। तो कितने बजे शॉप ओपन होती है आपकी और कितने बजे आते हैं आप? सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। 9 बजे से लेकर कंटिन्यूअसली आप बेलते रहते, बनाते रहते हैं? बनाते रहते हैं, बेलते रहते हैं, हम चेंज भी होते रहते हैं। चेंज भी होते रहते हैं, क्या बात है। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं लोग परांठा खाना? मिक्स वेज। मिक्स वेज, पेरी पेरी, आलू, आलू मटर। अच्छा, आप भी खाते कि लोगों को खिलाई जा रहे हो? हमारा काम है खिलाने का और बाद में खाने का। बाद में खाने का। ये भाई जी तो बड़े कमजोर हैं, इनको खिलाए करो परांठा देसी घी के। खाते हैं? खाते हैं, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अच्छा, ये पेरी पेरी है जी, ये कौन सा पनीर वाला है? ये पनीर का है, पनीर तंदूरी परांठा, क्या बात है। तो ये भी खाते हैं, इसका प्राइस क्या है? 150 रुपए। 150 रुपए का एक परांठा? हाँ जी। तो ये बाकी जो परांठे, ये नॉर्मल प्राइस है? 100 रुपए का है, 150 रुपए का है, 90 रुपए का है। अच्छा, 200 रुपए का है। 200 रुपए का। सबसे महंगा परांठा कौन सा? सबसे महंगा परांठा मेवा रोल परांठा, 250 रुपए का एक है। 250 रुपए का। वो तो कम ही खाते होंगे लोग? खाते हैं लोग, खाते हैं। ये पनीर तंदूरी परांठा है, महंगा है, 150 रुपए का एक पीस, यानी क्या इसका प्लेट पड़ेगा 300। ये ऐसे ही बनता है वो पनीर तंदूरी वाला परांठा? वो इस तरह रोल बन गया। हाँ जी, जिस तरह गुजिया बनाते हैं घर। अच्छा, गुजिया ऐसे बनता है? हाँ, क्या बात है जी, ये लाइव बनते रहते हैं। अच्छा, आप शिफ्ट चेंज कर लेते हैं ना जब सर जाते होंगे? क्या बात है जी। तो सर, वैसे मैंने सर्दियों में देखा था लोग परांठे चाय खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, इतनी गर्मी में भी आपने लोगों को दीवाना कर रखा परांठे। बहुत दूर से आते हैं, मतलब बहुत बाहर से आते हैं। हाँ, दूसरे सर, ये मैंने सुना है सेलिब्रिटी भी है आपके पास खाने के? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, मेरे दादाजी के साथ में फोटो देख सकते हो आप। क्या बात है सर, इंडिया के। अच्छा जी, और कौन आते हैं जी? बहुत सारे, अक्षय कुमार की तो गली है। अच्छा, वो तो आए हुए, रणबीर कपूर आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कई सारे कलाकार हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब आए हुए हैं। स्पेशल आए हैं यहाँ पर खाने के लिए। स्पेशल के बाद आपने बरकरार करा, 6th पीढ़ी जनरेशन आप जो संभाल रहे हैं ना, तभी सर मेंटेन करना पड़ता है। मतलब परदादा जी ने तो ये चला दिया, उसके बाद आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। और न्यू इनोवेटेड आइडियाज जो आपने लॉन्च करे है ना, लोग उसको देख के स्पेशल खाने के लिए आते हैं। ये देख लो, दिल्ली की तंग गलियां भाई साहब। और ये दुकान बता दो सर, दुकान का नाम पूरा एक बार बता दो। दुकान का नाम है बाबूराम देवी दयाल, गली परांठे वाली, एड्रेस है 1974 गली परांठे वाली। जी जी। और सर, सिंस 1889 नहीं बताया जो ट्रेडमार्क हमारा ना, तो सर आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बार लोकेशन बता दो, किसी ने दूर से खाने के लिए आना हो स्पेशल? चांदनी चौक, मतलब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यही गली परांठे वाली है जो चांदनी चौक दिल्ली 6 में है। बहुत इजी है, रीच अप्रोच बहुत आसान है। अच्छा, तो मतलब मेरे ख्याल से गली के एंटर करेंगे, एंटर के साथ सारी ये आप दिख जाएंगे गले में? हाँ जी, नहीं तो भाई साहब मिल जाएंगे पीली ड्रेस में, है ना। हाँ, बड़ा प्यारा सेटअप लगा रखा है, ये आपने बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। ये किनकी फोटो है? परांठा बोर्ड, ये समझ लो मेरी लगी होगी, कार्टून की फोटो। बात है जी, बड़े खुश मजाज हैं जी आप। अच्छा सर, ये रहा देसी की? हाँ जी, हाँ। गाय का रहता? हाँ, गाय का देसी ना, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।